नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं सचिन स्वागत करता हूं। बड़ी बेहतरीन और धमाकेदार खुशखबरी के साथ एक बार फिर से आप लोगों के सामने। बेहतरीन और खुशखबरी क्या है वो सुन लीजिए। आप लोगों को देख ही रहा होगा, बोर्ड पे सामने लिखा हुआ है IOCL के अंदर एक बहुत ही गजब वैकेंसी आई हुई है डाटा एंट्री ऑपरेटर की। उसकी पूर्ण जानकारी आपको आपके इस चैनल के माध्यम से देने का काम करेंगे। देखिए, पूर्ण विवरण विस्तार से बताया जाएगा कि कौन कौन सी वैकेंसी है, कितनी वैकेंसियाँ हैं, क्या सिलेबस आएगा, क्या कब से फॉर्म अप्लाई होंगे, कब क्या क्या एज क्राइटेरिया रहने वाला है, फीस कितनी है, सारी की सारी बातों पर चर्चाएँ करेंगे। चर्चाएँ करने से पहले बता देता हूँ, ये वो भर्तियाँ नहीं है जैसे जो स्टेट एग्जाम में होता है। आप लोगों को पता ही, हरियाणा के अंदर सबसे बुरा हाल है वैकेंसियों को लेकर के। उन्हीं सब बातों को मद्देनजर रखते हुए मैंने भी सोचा भाई जो अपडेट आपके पास आई है क्यों ना बच्चों के साथ साझा की जाए। तो देख लीजिए, वैकेंसियों के बारे में बता रहा हूँ। एक बार देखो भाई, वैकेंसी जो आई है IOCL के अंतर्गत आई है। भाई IOCL क्या है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। भाई ठीक है, इंडियन ऑयल में भर्ती आ चुकी है और टोटल पोस्ट है ना, पोस्ट का अगर आंकड़ा देखा जाए तो 1002, बहुत बड़ा आंकड़ा हो जाता है 1002, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चों को सिर्फ आपको एक ही वैकेंसी चाहिए, आपको ज़्यादा वैकेंसियों से कोई मतलब नहीं है। तो 1002 वैकेंसियों का आंकड़ा ये मान लीजिए। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास, आप इसको भाई अच्छे से तैयारी करके ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर है? अब देखिए, बता देते हैं आगे थोड़ा क्राइटेरिया के बारे में वैकेंसी कर लेते हैं, जिक्र कर लेते हैं। IOCL के अंतर्गत जो वैकेंसी आई गई है उसकी स्टार्टिंग डेट की अगर बात की जाए मेरे भाई, 1 जून 2024 से फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं। और जो बच्चे भर्ती के टच में रहते हैं कि वो वैकेंसी आई है, जो बच्चे अपने फ़ोन का सदुपयोग करते हैं, कई बार गूगल पर कोई काम की चीज़ सर्च कर लेते हैं, उन्होंने अपने फॉर्म भर भी दिए हैं, तो आप लोग भी क्या भाई वैकेंसियों को भर देना। देखिए, लास्ट डेट की अगर बात की जाए तो 30 जून 2024 है। दिन ज़्यादा बाकी नहीं रहे हमारे पास, 8 से 9 दिन बाकी हैं, तो आप अपना फॉर्म भर सकते हो। उसके बाद देखिए, जो सेकंड बात है उसकी तरफ चलते हैं। अगर फीस क्राइटेरिया की बात की जाए, यहाँ पे 0 रुपये है, ना जनरल की कोई फीस है, ना OBC की कोई फीस है, ना कोई SC की फीस है। अगर एज की बात की जाए तो एज जो रहने वाली आपकी 18 से 35 रहने वाली है, 18 से 35 है। और 18 से 35 का भाई आप लोग आंकड़ा देख सकते हो, बड़े ही मुश्किल मिलता है ये, क्योंकि कई बच्चे तो भाई आपने देखा होगा जैसे डिफेंस की है 25 तक की एज होती है। बस ये कलर्क था, कलर्क की वैकेंसियाँ, डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसियाँ हैं। वैसे 42 साल होती है हरियाणा में तो, लेकिन यहाँ पे SSC में 42 होती है, इन्होंने 35 दिए मेरे भाई। आगे देखिए, उसके बाद अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात की जाए कि सर सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन क्राइटेरिया बताइए हमें कि अगर हम ये फॉर्म भरते हैं तो सिलेक्शन किस तरह से हम ले सकते हैं इसके अंदर। तो देखिए, सबसे पहले आपका होगा मेरे भाई रिटन टेस्ट, उसके बाद होगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एक फॉर्मेलिटी होती है मेरे भाई। क्या है? एक फॉर्मेलिटी के तौर पे आपसे बस बातें की जाएंगी और पूछा जाएगा कि आपने जो डिप्लोमा किया है, जो आपने 12th की या 10th की है, वो रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन से है या नहीं, उसके बारे में बताया गया है। सबसे मेन चीज़ जो है वो रिटन टेस्ट है। अब बात ये आती है सर, रिटन टेस्ट तो ठीक है, लेकिन सिलेबस का क्राइटेरिया क्या रहने वाला है? तो इसी के साथ मैं आपको सिलेबस के बारे में बता देता हूँ। इसका जो सिलेबस रहने वाला है मेरे भाई, बड़ा ही शानदार और जानदार रहने वाला है, जिसकी आप तैयारी बचपन से करते आ रहे हो। बचपन का मतलब ये है जिस दिन से आपने कंपटीशन की, इस दुनिया में पैर रखा था, उसी दिन से आप इन्हीं सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो और इन्हीं सब्जेक्ट की वैकेंसी आ चुकी है और इन्हीं सब्जेक्ट के दम पे आप जॉब ले सकते हो। तो देखिए, मैथ का अगर क्राइटेरिया देखा जाए मेरे भाई, 25 क्वेश्चन होने वाले हैं। रीजनिंग के अगर देखे जाए तो इसके भी 25 क्वेश्चन। जीके और GS, जीके GS के अंतर्गत आपको बताई है पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, करंट अफेयर है, मिसलेनियस, ये पोर्शन रहने वाला है। और GS की बात की जाए तो जनरल साइंस का जिक्र जब हम करते हैं तो हमारे माइंड में सिर्फ 2-3 ही बात आती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। और यहाँ पर भी आप लोगों को पता है केमिस्ट्री के इतना ज़्यादा सिलेबस नहीं होता, ना इतनी क्वेश्चन आते, ज़्यादा से ज़्यादा अपने बायो पे ज़्यादा फोकस करना है, बायो और फिजिक्स पर। और बायो और फिजिक्स की क्लासें लगातार आपको आपके इस चैनल के माध्यम से देखने को मिल रही होगी, लगातार मनीषा जांगड़ा मैम के द्वारा आपको दी जा रही है। टोटल वैकेंसियों के बारे में बताया जा रहा है, पूरा डीपली कंटेंट के साथ साथ आपको एक एक बात बताई जा रही है। और बायो और
भाई फिजिक्स पढ़ने के लिए आपको कोई और चैनल देखने की जरूरत नहीं है, कहीं से और कोई जरूरत नहीं है। साथ के साथ मैम आपको प्रैक्टिस सेशन के लिए कोई अच्छी सी बुक भी बता देंगी कि ये बुक आप यूज कर सकते हो। बात रही जनरल इंग्लिश की, जनरल इंग्लिश का जो पोर्शन रहने वाला है वो 25 नंबर का रहने वाला है, 90 मार्किंग है नहीं इसके अंतर्गत इसके अंदर। और रही बात कि सर जी तैयारी कहाँ से करें, तो तैयारी का बात ये है भाई मैथ की क्लासें आप लोग देख रहे हो, आपके अपने इस चैनल पर देखने को मिलती है आपको। रीजनिंग की क्लासें भी आपने देखी होगी, 3-4 चैप्टर की डाल रखी है, सर से कह देंगे कि सर आप आगे से कंटिन्यू करो, वो भी लगातार आपके आने लग जाएंगी। और रही बात जीके जीएस की भाई क्लास बहुत जल्द शुरू होने वाली है, एक टीचर हैं बड़े ही गजब के, उनके साथ बातचीत चल रही है, जैसे ही वो हाँ करते हैं आपके सामने देखने को मिलेंगे वो, ठीक है। और रही बात इंग्लिश की भी बहुत जल्द क्लास शुरू करने वाले हैं भाई, ठीक है। ऑनलाइन माध्यम से जुड़ेंगे आपके साथ, यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे का पूरा कंटेंट आपको दिया जाएगा। और रही बात ज़्यादा दिन की बात है नहीं भाई, इसका जो सिलेबस है बस ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 2.5 महीने का सिलेबस है। अगर लगातार आप तैयारी करते रहते हो तो आप भी इन सर्दियों में अपनी बारात का बैंड बजा सकते हो भाई, क्लियर है। यानी कि बैंड बाजे के साथ जो रथ होता है उस पर बैठ सकते हो, नहीं तो आप लोगों को पता है भाई बेरोजगारी की इस दुनिया में ये संभव नहीं है। और सिलेक्शन प्रोसेस की बात की जाए तो दिसंबर तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा इसका, नवंबर दिसंबर तक। जैसे ही नवंबर दिसंबर तक क्लियर होता है जॉब आपके हाथ में होगी। हरियाणा की भर्तियों के भरोसे मत बैठो, पहले भी बताया था सेंटर की तैयारी करना शुरू कर दो, क्योंकि हरियाणा में तो ऐसा सीन चला हुआ है जो लग जाते हैं उनको भी हटा दिया जा रहा है, आप लोगों को पता ही है। वो हटेंगे या ना हटेंगे वो अलग बातें हैं, लेकिन आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी आई है। और सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी उन बच्चों के पास आई है जिन्होंने 2022 में अपनी 12th पास की थी, 2022 में अपनी 12th पास की थी, तो उनके लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो क्वालिफिकेशन इसमें 12th चाहिएगी आपकी और कुछ नहीं है भाई। अब बच्चों के माइंड में एक बात रहती है कि सर 12th तो ठीक है, क्या इसमें बाद में टाइपिंग टेस्ट भी होगा? इसमें कोई टाइपिंग टेस्ट नहीं है। एक खास बात ये भी है क्योंकि जो आप पढ़ रहे हो वही पेपर है, वैकेंसियों भरमार है, 1002 वैकेंसियों का आंकड़ा कोई छोटा नहीं होता, बहुत बड़ा आंकड़ा हो जाता है। आज की इस वीडियो में इतनी जानकारी देनी थी, धन्यवाद आप लोगों का, जय हिंद जय भारत, आपका दिन शुभ रहे, थैंक यू।